आज हम लोग निकले हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस को कवर करने के लिए। मींस जाना तो हमें राजस्थान है, लेकिन आज हमने नया रूट लिया है क्योंकि नया ये तैयार हुआ है हाईवे। काफ़ी तारीफ़ें सुनने में आ रही है, कई व्लॉगर्स ने यूट्यूबर्स ने कवर भी किया है उसको, तो हम भी क्यों छोड़ें। हम यहाँ से निकलेंगे, लंबा स्ट्रेच रहने वाला है हमारा। अभी हम हैं महिपालपुर के आसपास, सोना रोड से हम इसको कनेक्ट करेंगे हाईवे को। तो गाइस हम लोग निकले तो थे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को टेस्ट करने के लिए, लेकिन हमेशा की तरह हमारी जो निकलने की घर से निकलने की टाइमिंग है वो ख़राब हो गई। हमेशा की तरह निकलना था 2 बजे, लेकिन हम 5 बजे निकले। एज एक्सपेक्टेड हम लोग इस समय दिल्ली गुड़गांव के जाम में फंसे हुए हैं। जो ट्रैफिक लगा हुआ है इस टाइम ऑफिस टाइम हो गया है, 5:30 बजे। हमें अभी आधा घंटा लगा है यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन इसके आगे का रास्ता तय करने में काफ़ी वक्त लगने वाला है। इस शूट का पीक टाइम है ये। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं एक्सप्रेसवे पर, और इस समय मैं खड़ा हूँ, ये पहला टोल टैक्स पड़ा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। और जहाँ से हमें डाइवर्जन लेना है वो अभी है 175 किलोमीटर यहाँ से। बहुत ही अच्छा और ए क्लास हाईवे बनकर तैयार हो चुका है। कुछ पार्ट्स में कुछ पोर्शंस रह गए हैं बीच बीच में, पर रोड चालू है। जो भी मेरे दोस्त आना चाहें इस हाईवे पर वो आ सकते हैं। एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का नमूना देखने को मिलता है। इंटरनेशनल लेवल पर तैयार किया गया ये सारा जो हाईवे है, अपने आप में एक एग्ज़ाम्पल है अच्छी इंजीनियरिंग का और इंडिया के बुलंद इरादों का। और गाइज इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आने वाले वक्त में ये हाईवे हमारी इकोनॉमी के लिए एक बैकबोन का काम करेगा। हे गाइस, 1 घंटे के बाद अब हम लोग रुके हैं। यहाँ रेस्ट एरिया है, रेस्टोरेंट्स हैं और रेस्टरूम्स हैं। और 1 घंटे के बाद की ड्राइव के बाद दौसा यहाँ से 85 किलोमीटर रही है, तो काफ़ी अच्छी ड्राइव रही है। 120 की स्पीड लिमिट है यहाँ पर, और जिसका कि बिल्कुल पता नहीं चलता। 120 पर गाड़ी चलती है लेकिन पता बिल्कुल भी नहीं चलता, बिकॉज गाइस रोड्स आर एक्सट्रीमली वेल, तो ना थकान होती है, ना इस पर स्पीड का पता चलता है, ना डिस्टेंस का पता चलता है। बस आप फर्स्ट क्लास गाड़ी चलाए जाओ, भगाए जाओ। और मुझे लगता है कि अगर दिल्ली टू मुंबई हमने कवर किया इस पर कभी, तो शायद 12 घंटे में हम लोग मुंबई पहुंच जाएंगे। और ये है प्ले एरिया, इसी कॉम्प्लेक्स में बच्चों के खेलने के लिए एक बहुत अच्छा प्ले एरिया बनाया हुआ, जो कि कॉन्सेप्ट अच्छी लगी मुझे। तो गाइस निकलने का वक्त आ गया है, और
ड्राइविंग की मेरी बारी का भी वक्त आ गया है। चलते हैं एक बार फिर से हिट करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। हम लोगों ने एग्जिट कर लिया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से, महुआ वाली एग्जिट से हम लोग नीचे उतर आए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने शुरू में बताया नहीं था, राजस्थान में महुआ से कुछ ही किलोमीटर आगे जाकर है करौली। हम लोग जा रहे हैं करौली से करीब 20-25 किलोमीटर आगे कैला देवी धाम। कैला देवी मंदिर है माता का और बहुत ही मशहूर मंदिर है। हम लोग मीन्स मैं तो बचपन से ही जा रहा हूँ, तो आज हम लोग करौली के लिए निकले हैं और हमने इस नए रास्ते का भी मज़ा ले लिया। वापसी भी इसी रास्ते से जाने वाले हैं हम लोग, क्योंकि पुराना जो रास्ता है वो आप देख ही रहे हो किस टाइप का है। सिंगल रोड है और गाइज अभी एक किलोमीटर भी नहीं आए हैं और रास्ता बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हो गया है, मीन्स सुपर से बिल्कुल पताल में ले आए हैं। गड्ढे हो रहे हैं, सिंगल रोड है, अंधेरा है, लाइट नहीं है, इनफैक्ट गाड़ियाँ भी कम है, पर ऐसा रास्ता है और यही है और पहले यही होता था, इसी से आते थे। और जिस रास्ते से अभी हम लोग आए हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से, आप यकीन मानना आधा टाइम हो गया पहुंचने का। नॉर्मल रूट से ये रास्ता 8 घंटे का है और इस रास्ते से हम लोग पहुंचने वाले हैं 4 घंटे के। वंडरफुल एज फार एज ड्राइविंग इज कंसर्न एंड टाइम इज कंसर्न एंड टाइम इज मनी। मनी का रेफरेंस मैंने यहाँ इसलिए दिया क्योंकि मैंने पहले भी बताया था ये जो रास्ता है ये दिल्ली को मुंबई से जोड़ेगा, मुंबई जो कि हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी है, तो ये हमारी इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन बनने वाला है रास्ता। जो माल, जो कंटेनर बॉम्बे पोर्ट से 3 से 4 दिन में दिल्ली पहुंचते थे, अब वो दूसरे दिन दिल्ली में लग जाएंगे। और ये रूम है यहाँ का, और वैसे मैं आपको बता दूँ ये बेस्ट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या जो हमेशा बनी रहती है, अगर आप बाहर दिखाऊंगा मैं आपको, वो यहाँ पर पूरी तरीके से आप पीस ऑफ माइंड रह सकते हैं क्योंकि गाड़ी लगाने की यहाँ बहुत जगह है। तो अब मैं आपको कैला देवी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। कैला देवी जो है दुर्गा के 9 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। करौली ज़िले के अंदर स्थित है ये और मेन करौली से करीब 23 किलोमीटर की दूरी पर है कैला देवी मंदिर। कैला देवी मंदिर जो बसा हुआ है, कालीसिल नाम से नदी है उसके किनारे पे बसा हुआ ये धार्मिक स्थल है। मंदिर अपने आप में काफ़ी फेमस है और दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, इसलिए कभी भी यहाँ पर ऐसा नहीं रहता कि आपको मंदिर पूरा खाली मिलेगा, बहुत रश रहता है। मैं जब मंदिर की तरफ जाऊँगा तो दिखाऊँगा यहाँ किस तरीके के मेले और रश रहता है। अभी क्योंकि नवरात्रे भी निकले हैं तो यहाँ पर ये वाले जो नवरात्रे हैं अप्रैल मंथ में जो आते हैं ये बड़े माने जाते हैं और यहाँ पर काफ़ी बड़ा जो है माता का मेला लगता है जो कि अभी भी लगा हुआ है। मंदिर के भवन में 2 मूर्तियां रखी हैं, एक कैला माता की मूर्ति है और दूसरी मूर्ति है चामुंडा देवी की जो मंदिर के अंदर स्थित है। तो यहाँ दोनों माता की पूजा की जाती है और दोनों को बराबर स्थान दिया जाता है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, पुराने रास्ते से आ रहे हैं जो पहले वाला हाईवे है, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा गुड़गांव, बहरोड, अलवर और अलवर से राजगढ़, राजगढ़ और फिर आएगा आपका महुआ, हिंडन वगैरह। उस रास्ते से अगर आप लोग आते हैं पुराने रास्ते से तो 350 किलोमीटर का डिस्टेंस है दिल्ली से। और अगर आप लोग मेरी तरह नए वाले एक्सप्रेसवे से आते हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को फॉलो करते हुए आते हैं, तो फिर ये रास्ता थोड़ा सा छोटा हो जाता है। महुआ तक आपको उस एक्सप्रेसवे पर रहना है।
महुआ के एग्ज़िट से आपको बाहर निकलना है एक्सप्रेसवे से, और फिर ये रास्ता पुराने हाईवे को कनेक्ट करता है वहाँ से, फिर महुआ से हिंडन, हिंडन से आपको करौली, करौली से सीधा कैला देवी धाम, जो कि थोड़ा सा छोटा पड़ता है, टाइम भी कम लगता है उस रास्ते पर। और मैं रिकमेंड करूँगा आप नए रास्ते को फॉलो कीजिए, तो टाइम आपका काफ़ी बचा देता है। क्योंकि यहाँ मंदिर में दो मूर्तियाँ हैं और दोनों की पूजा की जाती है, दोनों को बराबर स्थान दिया जाता है, इसलिए पूजा के अंदर जो भी सामग्री है वो जोड़े में ही चढ़ाई जाती है। आप देख रहे होंगे दो मिठाई के डब्बे हैं, दो मालाएं हैं, दो चुन्नी हैं, हर चीज़ डबल है। Guys, this is one of the famous temple in Rajasthan. और मैं बता दूँ राजस्थान में इस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और अच्छा खासा रश है मंदिर के अंदर। बहुत है, मीन्स भीड़ तो हमेशा होती है, बट आज कुछ स्पेशल है शायद। भीड़ का तो ऐसा है, मुझे लग रहा है शायद दो घंटे लग जाएंगे लाइन में। भीड़ का जस्ट नॉर्मल डे इन कैला देवी टेम्पल। दर्शन तो हमें हो गए और बहुत अच्छे दर्शन हुए। राजस्थान के सभी रंग यहाँ देखने को आपको मिल जाएंगे, क्योंकि राजस्थान शुरू से ही फेमस रहा है अपने रिच कल्चर और वाइब्रेंट कलर्स के लिए, जो यहाँ के लोगों के पहनावे में भी आपको झलक रहे होंगे। और बहुत ही अच्छा माहौल, इतने रश में भी मैंने पहले आपको कहा था दो घंटे लग जाएंगे, लेकिन 20 मिनट के अंदर हमारे दर्शन हो गए मंदिर के अंदर। बड़े प्रॉपर तरीके से और ऑर्गेनाइज ढंग से ये लोग काम कर रहे हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के ही अंदर ये एक मंदिर और है जो बहुरा भगत जी का है, और ये है मंदिर माता के सबसे बड़े भक्त हुए बहुरा भगत। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं वापस, थोड़ा खाना खाएंगे क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, सिर्फ चाय पी है। और पर पता नहीं क्यों यहाँ गर्मी तो ज़्यादा लग रही है, और ये गूगल मुझे दिखा रहा है 33 टेम्परेचर, बट आई डाउट कि गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि गर्मी से बुरी हालत है, या ये कह लो दिल्ली वालों और राजस्थान वाली हालत है।
कैला देवी से कुछ ही दूरी पर स्थित है ये मंदिर, माता बीजा सेन मंदिर, वहाँ भी हम लोग आए हैं। अभी थोड़ी ही दूर है। राजस्थान के बाकी पुराने मंदिरों की तरह ये भी एक प्राचीन मंदिर है। लोगों की अपनी आस्था है इस मंदिर के लिए भी, जहाँ हम आए हैं। और अभी इसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा, यहाँ से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है, वो भी काफ़ी फेमस और पुराना मंदिर है। रास्ता काफ़ी लंबा है और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, मीन्स इंटीरियर्स है ये सारे राजस्थान के, और सड़कें वगैरह सुविधाएं इतनी प्रॉपर है नहीं यहाँ पर। तो अभी लोकल से पता चला कि रास्ता पहले ही जब हम आए थे तो भी काफ़ी ख़राब था, पर और भी ज़्यादा ख़राब हो गया इस बार। तो अभी हमने ये बाहर से गाड़ी हायर की है, यहाँ की लोकल गाड़ी है, सेफर साइड है, क्योंकि कैला देवी में भी कई जगह रास्ते बंद किए हुए हैं। कल रात को भी हम बड़ी मुश्किल से पहुँचे थे, इनफैक्ट पुलिस की ये जो बैरिकेडिंग है उसको डॉज देते हुए हम अपनी धर्मशाला तक पहुँच गए थे गाड़ी लेकर, जो कि अलाउड नहीं है। अभी भी 3-4 जगह बैरिकेडिंग की हुई है, तो रिस्क नहीं लिया कि गाड़ी निकालें और दोबारा फिर आने ना दिया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बाहर से गाड़ी कर ली है। और दूसरा, रास्ते भी ख़राब हैं तो गाइस 2 घंटे की बम्पी और रोलर कोस्टर राइड लेने के बाद हम लोग पहुँचे हैं करणपुर माता मंदिर। 35 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में हमें इस ख़राब रास्ते पर 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा। रास्ता बेहद ख़राब है, और अच्छा डिसीजन था हमारा कि हमने अपनी गाड़ियाँ नहीं ली। जल्द हम लोगों ने यहाँ से अपना जो भी काम था, दर्शन वगैरह करने थे, कर लिए हैं। और वैसे भी जल्दी चलना ही है क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है और बहुत वक्त लगा था अभी आने का, तो जाते में अंधेरा हो जाएगा तो शायद और भी वक्त ज़्यादा लग सकता है। और ये कल यहाँ पर गाइस जागरण होने वाला है अच्छे बड़े लेवल का, उसकी तैयारियाँ कल से ही चल रही हैं यहाँ पर। लेकिन कल अफसोस हम होंगे नहीं, यहाँ से हम सुबह निकल जाएंगे दिन में दिल्ली के लिए। यहाँ से हम जाएंगे पहले बालाजी, फिर वहाँ से दिल्ली जाएंगे। ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह 10 बजे का वक्त है, लेकिन देख के लग नहीं रहा, गर्मी बहुत तेज़ है और हम लोग रेडी है। अभी जाते वक्त एक बार दोबारा मंदिर में मत्था टेकेंगे, अगर भीड़ हुई तो बाहर से ही मत्था टेक लेंगे, और खाली हुआ तो अंदर की तरफ चलेंगे। जाते वक्त ऐसा माना जाता है कि जाते वक्त भी माता के दर्शन करने ज़रूरी हो जाते हैं, तो अभी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जल्दी जल्दी करेंगे सारे काम, क्योंकि आज दिल्ली भी निकलना है, बीच में बालाजी भी जाना है। गाइस हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं जल्दी जल्दी, और निकलने के लिए हम लोग तैयार हैं। अब सीधे जाएंगे बालाजी, बीच में ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट नहीं किया है, पहले ब्रेकफास्ट करेंगे फिर बालाजी पहुँचेंगे।
हम रास्ते में ही हैं बालाजी वाले, और जहाँ जिस मोड़ पे खड़े हैं हम अभी, यहाँ से बालाजी 30 से 35 किलोमीटर दूर है मेहंदीपुर बालाजी। अभी तक का सारा रास्ता सिंगल रोड था, डबल लेन सिंगल रोड रास्ता था, हटो बचो वाला ओवरटेकिंग, छोटे छोटे गांव हैं बीच में, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 2.5 घंटे हमें हो गए हैं ड्राइव करते हुए। इसके आगे का जो रास्ता है वो हाईवे, बड़ा हाईवे है, नेशनल हाईवे पे हम चढ़ जाएंगे अभी, तो रास्ता अच्छा हो जाएगा, फिर टाइम का पता नहीं चलेगा। मंदिर में तो बहुत भीड़ है, मीन्स अल्टीमेट भीड़ है, क्योंकि परसों थी हनुमान जयंती। पूरी रोड, पूरा मंदिर काफ़ी डेकोरेटेड है, और उससे ज़्यादा यहाँ रश भी है हनुमान जयंती के क्रेज को देखते हुए। और जो 3 छुट्टियाँ इकट्ठी बड़ी हैं, इन सब वजहों से भीड़ बहुत ज़्यादा है। दर्शन करके हम लोग वापस आ गए, अब हम निकलेंगे बाहर की तरफ और फिर करेंगे लंच। करेंगे लंच के लिए, टाइम तो ज़्यादा हो गया, पर भूख लग रही है, 4:30 बजे का वक्त है। तो अब हम लोग रुक गए हैं लंच के लिए, हालांकि लंच का टाइम निकल गया है, 5:15 बजे का टाइम हो रहा है। और अब जहाँ बालाजी से हम निकले हैं, बालाजी से दिल्ली है करीब 250 किलोमीटर, तो टेक्निकली अभी हमें 250 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। तो फटाफट लंच करके हम लोग निकलेंगे यहाँ से, और वापसी फिर वही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को हम अप्रोच करेंगे वापसी के लिए, उसी वक्त से। शाम के बजे हैं 7, और ठीक 1 किलोमीटर के बाद हम कनेक्ट करेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को, और उसके बाद हमें बहुत ही कम वक्त लगेगा दिल्ली पहुंचने में। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए अपने घर पे ठीक रात को 10 बजे। एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के बाद डिस्टेंस का बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो गाइज़, ये मेरा नया चैनल है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरा दूसरा जो पुराना चैनल है नॉर्दर्न ड्राइव्स,
उसको भी साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।